नमस्ते जी, फिर हाजिर है एक मजेदार रेसिपी लेकर हैप्पी सॉल्ट। आज बनाएंगे दूध का एक ऐसा ठंडा ड्रिंक जो खासकर गर्मियों में बहुत पसंद किया जाता है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं कोल्ड कोको की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले एक भारी तले के पैन या कढ़ाई में 6 कप यानी कि 1.5 लीटर दूध गर्म करना शुरू करेंगे। जैसे ही दूध गुनगुना हो जाएगा उसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच कोको पाउडर। ये कोको पाउडर मीठा नहीं है। कोको पाउडर को दूध में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, इसमें बिल्कुल भी गांठें नहीं रहनी चाहिए। बीच बीच में हिलाते हुए दूध को मीडियम आंच पर तब तक गर्म करेंगे जब तक उसमें एक अच्छा उबाल ना आ जाए। आप देख सकते हैं कि दूध उबलने लगा है, इसे एक बार अच्छी तरह हिला देंगे और अब इसमें डालेंगे 1/2 कप या अपने स्वाद के हिसाब से चीनी। चीनी को दूध में अच्छी तरह मिक्स करेंगे और दूध में फिर से एक उबाल आने देंगे। एक कटोरी में 2 बड़े चम्मच वनीला फ्लेवर्ड कस्टर्ड पाउडर लेंगे और उसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालकर एक पतला घोल तैयार कर लेंगे। कस्टर्ड पाउडर की जगह आप कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूध उबलने लगा है, उबलते दूध में कस्टर्ड का ये मिक्सचर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद दूध को अच्छी तरह हिलाना जरूरी है, नहीं तो इसमें गांठें पड़ सकती हैं या ये पैन के तले से चिपक सकता है। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद आप देखेंगे कि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। दूध को इसी तरह 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे और बीच बीच में हिलाते रहेंगे। 2-3 मिनट पकने के बाद गैस बंद कर देंगे और कोको को ठंडा होने देंगे। आप देख सकते हैं कि कोको पूरी तरह ठंडा हो चुका है और इसके ऊपर एक मलाई की परत सी आ गई है। इस परत को छान कर अलग कर लेंगे। छानने से अगर कोको में कोई गांठें होंगी तो वो भी निकल जाएंगी। कोको को अच्छी तरह ठंडा करने के लिए कुछ घंटे फ्रिज में रख देंगे। चिल्ड कोल्ड कोको को ग्रेटेड व्हाइट चॉकलेट से गार्निश करेंगे और चॉकलेट वेफर रोल के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।